एनजेज फैक्टर बुक। फैक्टर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग के लिए एक डेटा ड्रिवन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो वेल डिफाइंड रूल्स को फॉलो करके ह्यूमन बायस को एलिमिनेट करता है। लेकिन एक्चुअल में ये फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स वो फीचर्स की तरह हैं जिन्हें हम स्टॉक्स में चाहते हैं। इनमें क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉलिटिलिटी और मोमेंटम जैसे फीचर्स शामिल हैं। क्या ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? चलो इसको हम एक कार खरीदने के एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वालिटी। एक हाई क्वालिटी कंपनी एक अच्छी क्वालिटी वाली कार की तरह अपने ओनर्स को ये आराम देती है कि उन्हें बुरे सरप्राइजेस से बचाएगी। ऐसी कार्स भले ही सबसे सस्ती और रोमांचक ना हो पर काफी रिलायबल होती हैं। कई यूरोपियन कार्स क्वालिटी का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती हैं। वैल्यू। वैल्यू कंपनीज उन कार्स की तरह होती हैं जो दूसरों की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। वो भले ही सबसे बेहतरीन क्वालिटी या सबसे रिलायबल ना हो लेकिन उनकी कीमत के कारण वो आकर्षक बन जाती हैं। कई इंडियन कार्स इस कैटेगरी में आती हैं। लो वॉलेटिलिटी। बहुत रिलायबल कार्स की तरह कई कंपनीज हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल हैं। वो सस्ते नहीं हैं और रोमांचक भी नहीं होते लेकिन उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। जापानीज कार ब्रांड्स आमतौर पर इस कैटेगरी में आती हैं। मोमेंटम। मोमेंटम स्टॉक्स सबसे रोमांचक स्पोर्ट्स कार की तरह हैं। ये ओन करने के लिए थ्रिलिंग है लेकिन बहुत टेम्परमेंटल भी हो सकते हैं। फेमस इटालियन स्पोर्ट्स कार ब्रांड्स के बारे में सोचें। कार चूज करते समय आप उन फैक्टर्स पे निर्धारित डिसीजन ले सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं। और कार्स की तरह ही हर प्रेफरेंस के लिए फैक्टर स्ट्रेटजीज हैं, चाहे वो क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट या इन सभी का मिश्रण हो। एक फैक्टर स्ट्रेटजी जरूर है जो आपके लिए बिल्कुल सही है। इस डिसिप्लिन्ड रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में और जानने के लिए प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.njfactorbook.com। NJ's फैक्टर बुक की अपनी कॉपी डाउनलोड करें। फॉर मोर क्वेरीज ईमेल अस ऑन factors@njmutualfund.com। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.